हमारे साथ दिल्ली आईसा की प्रेसिडेंट पॉलिटिक्स और हैं। मैम, जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट आप लोगों ने इंडिया गेट पर ऑर्गेनाइज किया, बिल तो पास हो चुका है, उसके बाद इस तरीके के प्रोटेस्ट, क्या आप मैसेज देना? देखिए, बिल पास हो गया है क्योंकि जिन लोगों ने बिल पास किया है वो शायद जनता का मूड नहीं जानते, और वो शायद ये नहीं जानते कि देश किस और देश का जो संविधान है और देश है उसकी नींव किस चीज़ पर रखी गई थी। और इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ये लोग सत्ता में जो बैठे हैं वो सुन पाएं कि देश के लोग क्या कह रहे हैं। और हम इस बात को कहने के लिए आए हैं कि हम ऐसे देश में नहीं, हम लोगों ने ये देश जब बनाया था, हमारे पूर्वजों ने, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, उसमें एक वर्ड डाला गया था, वो ये था कि बराबरी का। आर्टिकल 14 ये कहता है कि आप किसी के साथ भी, किसी भी बंदे के साथ, पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। साथ ही में हमारे देश के अंदर, हमारे प्रियम्बल में, संविधान में सेक्युलर वर्ड लिखा गया है। लेकिन कल जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ, राज्यसभा में बिल पास हुआ, लोकसभा में हुआ दो दिन पहले उससे, वो पूरी तरह से संविधान के विरोध में है। मतलब ये भारत के विरोध में खड़े हैं, हम भारत के पक्ष में खड़े हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, ये भारत की अस्मिता को, भारत की नींव को, भारत की सोल के खिलाफ है, और हम उसका विरोध कर रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के विरोध में, मुसलमानों के खिलाफ ये बिल है, लेकिन राज्यसभा में भी जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया कि घुसपैठियों के खिलाफ है ये, देश के मुसलमानों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। घुसपैठियों के खिलाफ कैसे है? कौन घुसपैठी है और कौन तय करेगा कि घुसपैठी कौन है? ये कानून इस बात को कह रहा है कि जो तीन देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज हैं, वो 2014 से पहले आ गए हैं, उनको भारत में सिटीजनशिप दी जाएगी, ये कह रहा है। घुसपैठी को आइडेंटिफाई करने का तो वर्ड नहीं है, तो अमित शाह शायद गलत सोच रहे होंगे। हमारा ये सवाल है कि अगर आपको रिफ्यूजीज से इतना प्यार है, तो तमिलनाडु के अंदर श्रीलंका से भागे हुए हिंदू तमिल है 1,00,000, उनको आप सिटीजनशिप क्यों नहीं दे रहे? हमारा ये सवाल है कि अगर आपको रिफ्यूजी से इतना प्यार है, तो म्यांमार के अंदर जो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड नेशन है, वहाँ पे म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ जो कत्लेआम हुआ, जीनोसाइड हुआ, ये मैं नहीं कह रही जीनोसाइड हुआ, ये ICJ कह रहा है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ पे ट्रायल चल रहा है, आप उनको सिटीजनशिप क्यों नहीं दे रहे? आप तिब्बतन के जो रिफ्यूजीज हमारे देश के अंदर है उनको क्यों नहीं दे रहे? तो बात सिर्फ साफ है कि रिफ्यूजीज के साथ इनको कोई लगाव नहीं है, इनको इस देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर, साथ में अभी 1 महीने के बाद ये लोग NRC को लाएंगे, जो कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, जो क्या कहता है, ये कहता है कि आप कोई अमित शाह, नरेंद्र मोदी डिसाइड करेंगे कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं। अरे आप कौन है? आप सॉवरेन थोड़ी हैं, आप हमारे, आपको हमने चुना है, आपने हमें नहीं चुना है, तो आप डिसाइड नहीं करेंगे हम नागरिक हैं या नहीं। तो ये NRC को जो लाना चाह रहे हैं, उसमें बात सिर्फ साफ है, जो लोग NRC में अपने पुराने कागज़ नहीं ला पाएंगे ये दिखाने के लिए कि हम इस देश में, इस समय में हम लोग इस देश में आए थे, CAB के अंदर नॉन मुस्लिम्स को तो सिटीजनशिप मिल जाएगा, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, उनको वोटिंग से लेके जितना भी उनका अधिकार है वो सब ये छीन लेगा। स्टेटलेस मुस्लिम्स को बनाने का ये बड़ा साजिश है, जिस तरह से 1947 में पार्टीशन हुआ था रिलीजियस के ग्राउंड पे, आज तक देश उसको भुगत रहा है, ये 2019 के अंदर फिर से उस चीज़ को कर रहा है, उसको अपोज हम लोग कर रहे हैं। हमें रिफ्यूजीज से कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्यूजीज को लाना है तो सबको लेके आओ। विवेकानंद ने भी तो कहा था, जिनको ये लोग मानते हैं उनकी बात क्यों नहीं मान रहे, उन्होंने कहा था इंडिया एक ऐसा होमलैंड है जिसमें सब लोगों का वेलकम होना चाहिए, तो रिलीजियस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आ गया? इंडिया हिंदू नेशन नहीं है, इसलिए हमारे पूर्वज शहीद नहीं हुए थे भारत को आज़ाद कराने में, ये लोगों ने भारत को आज़ाद कराने में, भारत की उस लड़ाई में कभी साथ नहीं दिया। 1923 के अंदर RSS के सावरकर, हिंदू महासभा की, उन्होंने कहा था कि देश के दो हिस्से होने चाहिए, जिन्हा ने तो बाद में इस बात को बोला था, पहले तो इन्होंने कहा था और देश का विभाजन करवाया, और आज फिर से ये देश का विभाजन करना चाहते हैं जो इतने सालों से साथ में रहा है, ये हम नहीं होने देंगे। हम गर्व करते हैं कि हम भारत में रहते हैं, क्योंकि भारत में हर कम्युनिटी का लोग साथ में भाई भाई बन के रहता है, हम लोग हिंदू राष्ट्र में रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जैसा आपने कहा कि ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, और जिन तीन देशों की बात की गई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, सदन में जब गृह मंत्री बोल रहे थे, उन्होंने वहाँ के संविधान का जिक्र किया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या हिंदुस्तान के बारे में किस तरीके की सोच पेश कर रहे हैं? देखिए, गृह मंत्री की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब खराब है, क्योंकि वो ये बात को कह रहे हैं कि वो इस्लामिक नेशन है, क्योंकि वहाँ पे रिलीजन, स्टेट का एक रिलीजन है इस्लाम, उसको हम लोग इसीलिए सिटीजनशिप दे रहे हैं। अरे बगल में आपका म्यांमार है, जो बुद्धिस्ट नेशन बोलता है अपने आप को, बगल में श्रीलंका नीचे है, वो भी अपने आप को बुद्धिस्ट नेशन बोलता है, तो वहाँ के माइनॉरिटीज़ का क्या, आप उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? आप सिर्फ इन तीन देशों के बारे में क्यों सोच रहे? क्योंकि आपको मुसलमानों को आप दुश्मन मानते हैं,
आप सिर्फ उनकी सिटीजनशिप खत्म करना चाहते हैं, एक ही मकसद है सीएबी का, रिलीजियस लाइंस पे डिस्क्रिमिनेशन जो सिटीजनशिप में है ये संविधान के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है, ये देश के विभाजन की तरफ एक पहला कदम ले चुके हैं ये लोग, हम उसका विरोध करें, हम ये बोलने के लिए आए हैं। और ये लोग देश विरोधी हैं, हम देश से प्यार करते हैं इसीलिए यहाँ पर आए हैं, हम देश के हर एक नागरिक से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं तो नागरिकों से प्यार करना होगा ना, देश के लोगों से ही तो देश बनता है, लेकिन ये तो देश के लोगों से ही प्यार नहीं करते, तो ये किस देश को प्यार करते हैं, ये बात है। जिस तरीके से लगातार फैसले लिए गए, बाबरी मस्जिद का मामला भी बिल्कुल हाल फिलहाल निकला है, उसके बाद जिस तरीके से ये लिया गया संविधान के नजरिए हम देखें तो क्या हो रहा है? देखिए, मैं खुद लॉ की स्टूडेंट हूँ और मैं बताऊँ तो बाबरी मस्जिद का ये जो पूरा वर्डिक्ट आया ये एविडेंस के ऊपर तो बेस्ड नहीं है। सिमिलरली उससे पहले 370 को इन लोगों ने हटा दिया, कश्मीर में 4 महीने हो गया, लेकिन कश्मीर में इंटरनेट सस्पेंड है, वहाँ के नेता जिन्होंने लोगों ने अपने नेता चुने थे, मैं अगर दिल्ली में सरकार चुनूं और कल को मैं उठूं और मुझे पता चले कि दिल्ली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म हो गया, अरविंद केजरीवाल या कोई भी जो नेता है दिल्ली का मान लीजिए जिसको भी मैंने चुना वो जेल में है या उसको हाउस अरेस्ट कर लिया है और उसके बाद दिल्ली यूनियन टेरिटरी बन गया है, ये कश्मीर के लोगों के साथ हुआ ना। अगर आप सीधे तौर पे देखें आज भी उन्होंने जिस नेता को वोट किया वो अपने हाउस अरेस्ट में है, 4 महीने हो गए हैं, इंटरनेट वहाँ पर बंद है, वहाँ कोई फ्री मूवमेंट नहीं कर सकता, तो आप किस चीज़ का मैसेज दे रहे हैं? इंडिया डेमोक्रेसी है या नहीं ये सवाल है, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक नेशन इस आधार पर 1947 में बना था, इंडिया एक थियोक्रेटिक नेशन नहीं बना था, हिंदू राष्ट्र नहीं बना था जो ये उस टाइम पे बनाना चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था जिसका प्रियम्बल का पहला लाइन ये नहीं बोलता, किसी मजहब का लाइन नहीं बोलता कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा या भारत एक इस्लामिस्ट राष्ट्र बनेगा, वो बोलता है वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री गिव आर सेल्फ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, सो गिव आर सेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल बी सेक्युलर। जस्टिस की बात की गई है उसमें, इक्वालिटी की बात की गई है, फ्रेटर्निटी भाईचारा की बात की गई है, आप आज क्या कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज आप मेजोरिटी में आ गए इसका मतलब ये नहीं है कि जो फंडामेंटल्स एक नेशन के हैं जिसपे एक देश बना है आप उसको खत्म कर दें। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से एक बीबीसी ने कवर की कि अमेरिका का जो एक आयोग है जो धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों को देखता है उसमें अमेरिकी सरकार की सिफारिश की है कि अगर ये बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है, जाहिर की कल पास हो चुका है, तो यहाँ के जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सहित जो पूरी कैबिनेट है उसको अमेरिका में आने पर पाबंदी लगा दिया, इससे इस फैसले का लेकिन मैं कौन होती मैं कौन होती हूँ इस पर बोलने वाली? मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी नागरिक होने के नाते हम मैं नागरिक होने के नाते यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे बहुत शर्म आ रही है, मतलब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भारत की आज क्या छवि रह गई है। कश्मीर के अंदर जो हो रहा है उस पर भी आए दिन बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलता है कि आप अपने देश के अंदर जमहूरियत का गला घोट रहे हैं, ये बाहर के देशों में लोग कह रहे हैं। आप अपने देश के अंदर भले ही मीडिया को कंट्रोल करके जी टीवी पे या बाकी तमाम मीडिया चैनल्स पे रोज ये चलाते रहें कि देखिए भारत कितना आगे बढ़ रहा है, लेकिन बाहर कोई इस देश के बाहर जाएगा वो देखेगा कि असल में रियलिटी क्या है, कि आपका जीडीपी आज सबसे नीचे है, इम्प्लॉयमेंट आज देश में है नहीं, एडुकेशन आप देखिए दिल्ली के अंदर अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली की दो बड़ी विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग मुद्दे पे, एडुकेशन का ये हालत है, देश में कोई खुश नहीं है, किसी मजदूर के पास चले जाइए तो वहाँ पर वर्कर का जो मिनिमम वेज का कानून है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, अभी फैक्ट्री के अंदर 40 लोगों की मौत हो गई, ऐसे तमाम चीज़ें चलती जा रही हैं, सब कुछ पीछे जा रहा है, लेकिन हमें मीडिया में दिखाया जा रहा है कि देश कितना तरक्की करे, कहाँ कर रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, तो ये जो भी चीज़ें हो रही है ये बहुत दुख पहुँचाती है, क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम अपनी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ सत्ता में बैठे रहने के लिए या आरएसएस का ये जो पूरा कल्पना है देश को लेके वो अगर आप लागू करना चाहते हैं तो इसलिए आपको सदन में नहीं बिठाया था लोगों ने, आपने कुछ वादे किए थे लोगों से, वादा किया था कि आप नौकरी देंगे, आपने वादा किया था काला धन आएगा, ये सब वादा किया था, लोगों को गुमराह किया था इसलिए आपको बिठाया था, देश के जो मूल फंडामेंटल्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए नहीं किया था, क्योंकि जब देश का फंडामेंटल्स ख़त्म हो जाए, जब देश का लोकतंत्र ख़त्म हो जाए तो किसी देश का सोल ख़त्म हो जाता है, और जब सोल ख़त्म हो जाए इंसानियत का ख़त्म हो जाए तो ये जिस तरह से मॉब लिंचिंग आज हो रही हैं वो आज किसी मुसलमान की हो रही है, तो हमें भूलना नहीं चाहिए यूपी के अंदर सुबोध कुमार की भी हुई जो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो जब आप किसी को खून का एक कहते हैं ना, जब किसी को खून की लत लग जाए तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, इसीलिए जो आपने देश के अंदर नफरत गर्दी चला दी है वो नफरत डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, कल को वो आपको भी चौराहे पे टांग देगी, तो आपने देश का ये हालत कर दिया, इसीलिए दुख होता है, इसीलिए हम लड़ रहे हैं बोलेंगे इसके खिलाफ़।